गाय तथा भैंसों में पोषण संबंधित उपाय हमारे किसान भाई किस प्रकार करें, हमारे किसान भाई क्या क्या उपाय करें उनके संतुलित आहार के लिए, उनके रख रखाव के लिए, इन तमाम बातों की जानकारी उन्हें होनी बहुत जरूरी है। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं। किसान भाई बहन के पास में पशुधन होता है और खास करके गाय और भैंसें, तो इनके पोषण संबंधित उपाय जो होता है वो किस तरह से उनका ध्यान रखें कि उनको पोषण मिलता रहे, तो किन किन बातों पर खास करके ध्यान देना चाहिए? जैसे हम लोग आज बात कर रहे थे कि पशु उत्पादन में, जैसे दूध के उत्पादन में हमारे जो पोषक तत्वों का है, इसका क्या महत्व है और ये कितना अहम भूमिका निभाता है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो किसान भाइयों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पशु उत्पादन में, चाहे वो मीट का रहे या मिल्क का रहे, जो भी रहता है, इसमें उत्पादन के क्षेत्र में जो कुल व्यय हमारा पड़ता है उसका करीब 70 से 80% हिस्सा जो होता है ना, वो पोषण में खर्च होता है। इसी कारण पोषण के जो प्रबंधन है इस पर मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर गाय भैंसों की बात लें, जिसे हम दूध उत्पादन की ओर देखते हैं, उसमें तो और ही ज़्यादा अहम भूमिका ये पोषण निभाता है। तो पोषण की अगर हम बात करें तो देखिए, पोषण मुख्य रूप से पूरे पशु उत्पादन को, कहें पूरे पशुओं के उत्पादन का जो साइकिल है उसको ये कंट्रोल करता है। पशुओं पोषण अगर अच्छा रहे तो हमारे पशुओं में बाल वृद्धि अच्छी होती है, उनके शरीर वृद्धि अच्छी होती है, समय पे ये प्रजनन के लायक हो जाते हैं, समय पे अच्छे, जैसे पाल खिलाना हो तो समय पे हमारी गाय भैंसें पाल खाती हैं, दूध ज़्यादा दिनों तक देती हैं, दूध की उत्पादकता अधिक होती है, प्रतिदिन जो दूध उत्पादन होता है ये अधिक होती है, अगला बार का जो बियान होता है उसमें भी हम जल्दी बियान पाते हैं, प्रजनन में पशु हमारे जल्दी आते हैं, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस तरह से कहें तो पशु उत्पादन का सबसे केंद्र बिंदु के रूप में रखेंगे तो हमारा पशु पोषण होता है। दुधारू पशुओं में उनके शरीर के भार के अनुसार उन्हें पोषक तत्व देने चाहिए। ऐसा करने से उनका सही विकास हो पाएगा और वे अच्छा उत्पादन दे पाएंगे। गाय भैंसों के लिए उपलब्ध खाद्य सामग्री को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है चारा, जिसमें रेशेयुक्त तत्वों की मात्रा 18% से अधिक होती है तथा समस्त पचनीय तत्वों की मात्रा 60% से कम होती है, जबकि दाने में रेशेयुक्त तत्वों की मात्रा 18% से कम तथा समस्त पचनीय तत्वों की मात्रा 60% से अधिक होती है। जी हाँ किसान भाइयों, पशु पोषण को अगर हम बात करें तो पशुओं में पोषण हम दो तरीके से दे सकते हैं, जैसे एक रफेजेस का पार्ट होता है और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट का पार्ट। रफेजेस में हम उस तरह के पोषक तत्वों को रखते हैं जिसमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक होती है, और कॉन्सेंट्रेट का जो पार्ट होता है उसमें हम उस तरह के पोषण न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं, सामग्रियों को रखते हैं जिसमें जो रेशे की मात्रा होती है वो 18% से कम होती है। तो ये जो रफेजेज यानी रेशेदार पदार्थों को कहें और जो कॉन्सेंट्रेट है जो राशन को कहें, तो दोनों मिला के हम एक संतुलित आहार की परिकल्पना करते हैं। संतुलित आहार के बगैर हम पशुओं में उसके क्षमता के अनुसार, उसके जो नस्लीय क्षमता के अनुसार हम उत्पादन नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर नस्लीय क्षमता के अनुसार उत्पादन लेना है तो निश्चित तौर पर उसका जो डेली का राशन है वो एक संतुलित आहार, बैलेंस राशन होना आवश्यक होता है। बैलेंस राशन का मतलब ये होता है कि उस तरह के राशन या उस तरह के आहार दिन का जिसमें एक उचित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी की मात्रा, अगर इन पोषक तत्वों की मात्रा एक उचित अनुपात में होता है तो उस तरह के राशन को हम लोग संतुलित आहार या संतुलित राशन, बैलेंस राशन कहते हैं।